हमीरपुर जिला के भोरंज के गांव झमियाट की निवासी रुचि शर्मा को एक परिवार के द्वारा उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रुचि शर्मा ने उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। रुचि शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि एक परिवार द्वारा उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट की जाती है, जिसको लेकर वे पहले भी उपायुक्त को ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई न किए जाने से उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। रुचि शर्मा ने कहा कि स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और मकान भी सरकारी जमीन पर ही बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर रास्ता बना है जिस पर लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, और जब वे अपने घर को उस रास्ते से जाते हैं तो एक परिवार के सदस्य वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। रुचि शर्मा ने कहा कि उन लोगों द्वारा नशीले पदार्थों को बेचने का इल्जाम रुचि शर्मा पर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि वे यहां पर पिछले 4 साल से रह रही हैं और मकान बनवा रही हैं, लेकिन एक परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है, जिससे वे तंग आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उनका साथ देता है उनको भी लोगों द्वारा धमकी दी जाती है। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर से न्याय की मांग की है। नमस्कार, मेरा नाम रुचि है। मैं रहने वाली गांव जुनाट डागर जिसमें तहसील भोरंज हमीरपुर में 4 साल से रह रही हूँ। गांव जुनाट में अनिता कुमारी, जो कि गांव सवाल डागर टोनी देवी तहसील टोनी देवी और की रहने वाली है, पर अपने पापा के घर में या किसी के घर में रहती है। उसने बहुत ही परेशान कर रखा है। वो मैंने मकान का काम लगाया है, कहती है कि तुमने यहाँ ज़मीन नहीं ली है और यहाँ ज़मीन नहीं ली है, ना ही यहाँ पे तुम्हारा कुछ है, और बहुत ही अभद्र गालियों का प्रयोग करती है। यहाँ तक कि उसने रात को घर में, मैंने जो मकान का काम लगाया है वहाँ पे रात को आके लड़ाई झगड़ा करती है। रात दिन को राजनीति करती है और रात को गुंडागर्दी करती है, और हमें अब मेरे को आने जाने के लिए भी रास्ते में रोकती टोकती है। जब आना जाना होता है तब अभद्र गाली का प्रयोग करती है। अपने साथ साथ अपनी भाभियों को लेके आती है, तृप्ता देवी को, सुमलता, निशा कुमारी, उनको लेके आती है और धमकियाँ देने लग जाती है। राजनीति में किसी किसी के नाम करते हैं, पुलिस वालों के नाम लेके या किसी के नाम से इस तरह से अब धमकियाँ देती है कि मैं तो ये कर लूँगी, या फिर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाती है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाती है कि मैं भांग बेचती हूँ, चिट्टा बेचती हूँ, या फिर वहाँ से आई हूँ। मैंने वहाँ पे बड़ी मेहनत से ज़मीन ली हुई है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रह रही हूँ। अभी 4 साल में उन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि मैं वहाँ रह भी नहीं पा रही हूँ। जब कुछ होता है 5-5, 6-6 दिनों बाद घर से आती हूँ तो मेरे घर में जो सामान रखा होता है वो भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैंने 40 बोरियाँ अंदर से की रखी थी, उसमें से 4 बोरियाँ भी सीमेंट की नहीं थी। यहाँ वहाँ पे देखने के लिए भी कोई नहीं है। ना तहसीलदार रमेश चंद जी के घर में रहती हूँ और उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं। उनके बेटे के साथ मेरे गलत संबंध बनाए जाते हैं, जबकि वो मेरे भाई के जैसे हैं। उनके ऊपर और मेरे ऊपर और मेरे चरित्र के ऊपर इस तरह की गालियाँ दी जाती है। अगर मैं किसी के ऊपर कंप्लेंट देती हूँ, किसी के पास कंप्लेंट दे के जाती हूँ, तो वो उनके ऊपर उनको भी मेरे साथ जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी मेरे साथ इन्वॉल्व किया जाता है कि वो पुलिस प्रशासन इसके साथ मिला हुआ है, या फिर कोई अदर कोई भी आता है तो मेरे साथ उनको इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ मेरी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, जबकि मेरी गाड़ी के शीशे छः मार्च के बीच में टूटे थे। तो मैंने भोरंज थाने में कंप्लेंट की थी, तो उसके बावजूद गांव के एक व्यक्ति जो कि अनिता देवी के नाम से कह रहे थे कि अनिता देवी का कहना था कि 10 दिन में मैं उसको यहाँ से उठवा दूँगी, और उसके दौरान मेरी गाड़ी के शीशे टूटे थे और कपड़े मेरे शमशान घाट में फेंक दिए गए थे। जबकि अनिता देवी ने खुद मेरे को यहाँ पर सड़क से रोड से निचली साइड को जाते जाते मेरे को धमकी दी थी। यहाँ तक कि अनिता देवी का कहना यह भी है कि वो सरकारी ज़मीन की मालकिन है और वो मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने उसने अपने घर की नाप नपाई की है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर उसको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, जो मैंने मकान बनाया है उस मकान को खरीद लें और जो मेरे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लें। मैं अपने मकान को और जो मैंने ली ज़मीन है उसको देने को भी तैयार हूँ। मैं हर किसी को किसी कागज़ को लेकर या किसी अपने डॉक्यूमेंट को लेकर ही बता सकती कि मैंने ये ज़मीन ली है। पुलिस प्रशासन को बताऊँ या PDC महोदय को या ST महोदय
महोदय को बताऊं कि मैंने ये ज़मीन ली है और मैं कागज़ लेके हर कहीं नहीं घूम सकती हूँ। अगर उनको मेरे से इतनी ही दिक्कत है तो वो जो मैंने ज़मीन जो घर बनाया है जो ज़मीन है वहाँ पे उसको ख़रीद ले और मेरे को मैं खुद व खुद वहाँ से चली जाऊँगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये वहाँ पे जो ज़मीन ली हुई है उसकी जो ज़मीन ली है उसके कागज़ भी देख सकते हैं। और यहाँ ये भी है कि वहाँ पे जब रास्ते से जाते हैं तो अनीता देवी कोई भी एलिगेशन लगाती है और एलिगेशन ये भी लगाती है कि मैं भांग और चिट्टे बेचती हूँ, मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, एक छोटे से परिवार से हूँ, मेरे भी परिवार है, जबकि मेरे परिवार ने भी 180 किलोमीटर दूर मेरा घर है, 180 किलोमीटर दूर घर से मैं यहाँ रहती हूँ और बड़े ही मेहनत से अपना घर बना रही हूँ। जो मैंने पैसे लगाया है, रात को आके कभी तो सीमेंट की बोरियां चली जाती हैं तो कभी जाम, कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहां से गायब हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर के 3-4 लोग आते होंगे, वो रात के अनीता देवी, तृप्ता देवी, कुसुमलता वगैरह रात को आके गुंडागर्दी करती है। कुसुमलता का हस्बैंड जो फौज में है वो जब भी आता है फौज की गालियाँ देता है कि मेरे को 3 खून माफ़ है। अभी भी जब वो आया था तो घर में आके कुसुमलता अनीता देवी घर में आके जबकि मेरी ही संपत्ति पे मुझे ही आके बोल रहा है कि मैं तुझे फाड़ दूंगा। यहाँ तक कि मेरी भाभी को भी धमकाते हैं आते जाते, मेरे साथ जो भी स्टैंड करता है उसको कोई ना कोई धमकी मिलती है। वहीं पुष्पा कुमारी का कहना है कि स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और उसी सरकारी जमीन में एक रास्ता बना है। उन्होंने कहा कि एक परिवार के सदस्यों द्वारा उनके उस रास्ते से आने जाने पर गाली गलौज की जाती है और लड़ाई झगड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा घर पर आकर मारने की धमकियां दी जाती हैं, जिसको लेकर उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। अनीता देवी जो हमारे घर में सभी सदस्यों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आते जाते रास्ते में गालियाँ गलौज करती है और ज़्यादातर वो रास्ते में जाने नहीं देती है। मेरे घर वाले भी अलग इंडिकेशन लगाती है, फिर ऐसा बोलती है कि ये नन्ना देन को बोलती है कि वो चिट्टा लाती है और मेरे घर वाले को बोलती है कि वो बेचता है। अलग अलग एप्लीकेशन दे रखी है उसने थाने में, कभी किसी बात का एप्लीकेशन लगा रही है, कभी किसी बात का एप्लीकेशन लगा रही है और हमारे घर में घुस के आके लड़ाई झगड़ा करती है। ज़्यादातर वो ये अनीता देवी है, वो ही अपने भाभियों को साथ लेके आती है और उनके साथ ही लड़ाई झगड़ा करती है। अकेली वो नहीं आती, जब अनीता देवी आती तभी आती है वो, और रात को आते हैं वो हमारे घर के, कभी पीछे खड़े होते हैं, कभी पहले दूसरी तरफ उस साइड जाते हैं, कोई ना कोई सामान हमारे घर से निकाले रखते हैं और ज़्यादातर वो करती है लड़ाई और ज़्यादा उनका सब भी करवाते हैं, मतलब जितने गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं वो सभी इकट्ठे आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम अकेला परिवार है, हम अकेले रहते हैं, हम 5-6 जने हैं, हम अकेले रहते हैं। वैसे तो हम ये 3 जने रहते हैं घर, बाकी तो सभी बाहर रहते हैं, सास मेरी बाहर रहती है और ससुर भी बाहर रहते हैं, घर वाले बाहर रहते हैं, तभी वो आके लड़ाई झगड़ा करते हैं और आते जाते रास्ते में गालियाँ ग्लोज करते रहते हैं। और वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, काफ़ी सरकारी ज़मीन है, बेसब भी सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं और हमें तो रास्ता तक भी नहीं देते वहाँ आने जाने के लिए, रास्ता तक फिर गालियाँ ग्लोज करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि उनको अनीता देवी को कुछ हो जाए और सरकारी ज़मीन में जितने भी घर हैं उनको खड़ा जाए और हमें कुछ ना कुछ सहायता मिल जाए वहाँ से।